ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लव जिहाद पर यूपी की योगी सरकार और एमपी की शिवराज सरकार के कानून लाने के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और लव जिहाद को भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द मात्र बताया। उन्होंने ये भी कहा कि लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित अन्य नेताओं ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए कांग्रेस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में लव जिहाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? केंद्रीय मंत्री ने कहा, शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्यों लड़कियों के परिवारों को भी दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं है? क्योंकि कांग्रेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में इस कृत्य का समर्थन कर रही है, तो क्या यह आपका नया सांप्रदायिक एजेंडा है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए उनके इस बयान को शर्मनाक बताया। पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। पूनिया ने कहा कि भारत विश्व का पुरातन सनातन देश है, जहां विवाह एक नैसर्गिक संस्कार है, जबकि लव जिहाद इस्लामिक आतंकवाद का घोषित एजेंडा है। पूनिया यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा से विचलित होकर मानसिक संतुलन यूं गड़बड़ होना स्वाभाविक है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी लव जिहाद को लेकर कांग्रेस पर तुष्टिकरण व भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। किसी युवती को शादी हेतु बलपूर्वक डरा धमकाकर या अनुचित दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करना नियोचित नहीं बल्कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रेम व विवाह के नाम पर जबरन धर्मांतरण की घटना होती है तो उसे कानून बनाकर रोका जाना चाहिए और ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वाले गुनहगारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 ट्वीट्स करते हुए लव जिहाद को भाजपा का एक एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद भाजपा द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द है। सीएम गहलोत ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप जड़ते हुए कहा कि वे राष्ट्र में एक जैसा वातावरण बना रहे हैं जहां सहमति व्यक्त करने वाले राज्य की शक्ति की दया पर होंगे। उन्होंने कहा कि विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे उस पर अंकुश लगा रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक संघर्ष को बाधित करने और राज्य जैसे संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए एक समझौता है जो किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।